एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेट्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन और मैं हूं स्वाति शर्मा। आज हम एक नई और चीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर मैं स्टार्ट कर रही हूं ICSE कमर्शियल स्टडीज फॉर ग्रेट 10। क्लास 10th के बच्चों को कमर्शियल स्टडीज की बहुत वीडियोस नहीं मिल पाती हैं, तो गाइस स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल क्योंकि मैं सारे 15 के 15 चैप्टर्स यहां पर आप लोगों के कमर्शियल स्टडीज के कवर करने वाली हूं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है स्टेक होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, स्टेक होल्डर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बट उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी अपील है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है तो नथिंग लाइक दैट, प्लीज गो हिट द बेल आइकन क्योंकि जितनी भी मेरी नई वीडियोस आती रहेंगी वो सब आप लोगों को जो है टाइम टू टाइम उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर व्हिच इज स्टेक होल्डर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर समझनी है कि स्टेक होल्डर होता कौन है। स्टेक वर्ड का मतलब होता है इंटरेस्ट और होल्डर यानी उस चीज में कोई इंटरेस्ट रख रहा है। तो कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिसका आपके बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंटरेस्ट है उसको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। पर्सन इज सेड टू बी अ स्टेक होल्डर व्हेन द पर्सन टेक्स इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द स्टेक होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये जो स्टेक होल्डर है, इस स्टेक होल्डर के साथ ये स्टेक होल्डर किसी भी कंपनी पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है ना, स्टेक होल्डर कैन पॉजिटिवली इंपैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो नेगेटिवली कैन इंपैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट कब होगा? जब कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज को फाइनेंस, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी आसानी से मिल जाए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मे सेल देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स की फाइनेंशियल जो पोजीशन है दैट शुड बी गुड। द स्टेक होल्डर्स मे प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंसेस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो अगर बिजनेस को टाइमली उनकी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, उनके फंड्स को रेज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। एक बिजनेस का फेल हो जाना, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से शेयर होल्डर्स का शेयर बाहर निकाल लेना, कस्टमर्स अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट में फेथ लूज कर रहे हैं तब, या फिर कंपनी में जो वर्कर्स हैं उनका कंपनी के ऊपर से विश्वास कम हो जाना। तो स्टेक होल्डर्स में बी फेलियर ऑफ बिजनेस व्हेन दे टेक आउट देयर शेयर्स, व्हेन द वर्कर्स लूज फेथ और इंटरेस्ट इन द कंपनी, व्हेन कस्टमर्स लूज फेथ ऑन द प्रोडक्ट। अब आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है वो एक नैरो नेचर होता है उनका क्योंकि वो स्टेक होल्डर का ही एक पार्ट है, जबकि स्टेक होल्डर में कस्टमर, सप्लायर्स, कंपेटिटर्स, गवर्नमेंट सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो एस्पेक्ट क्या है स्टेक होल्डर का? इट इज वाइड इन नेचर वेयर एज शेयर होल्डर इज नैरो इन नेचर। एक्टिविटी क्या है स्टेक होल्डर की? ये इंटरेस्ट होल्डर्स होते हैं कंपनी में, जबकि शेयर होल्डर्स जो है वो सब पार्ट होते हैं स्टेक होल्डर्स का। अब आ जाते हैं स्टेक होल्डर्स दो तरीके के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। बच्चों इस पे आपका डिस्टिंग्विश आ सकता है, टू मार्कर क्वेश्चन। इंटरनल स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वो हैं जो कंपनी के बाहर से कंपनी का कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर्स कंपनी के अंदर से इंटरेस्ट रख रहे हैं, कंपनी के अंदर दैट कैन बी एम्प्लॉई, दैट कैन बी एम्प्लॉयर, ठीक है नहीं, दैट कैन बी अ शेयर होल्डर। जबकि बाहर से जो लोग कंपनी में इंटरेस्ट रख रहे हैं दैट कैन बी अ कंपेटिटर, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, ये सब बाहर से कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं। अब आ जाते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ एन एम्प्लॉयर। एक कंपनी का मालिक है, एम्प्लॉयर है वो क्या चाहता है कि उसे टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिले, उसका कैपिटल बढ़ता जाए समय के साथ, उसके पास कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी पब्लिक इमेज ऐसी हो कि उससे वो प्राउड फील करे, ठीक है ना, और सेफ्टी ऑफ कैपिटल, जितना उसने पैसा लगाया है उसकी सेफ्टी यानी वो समय के साथ बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कंपनी के अंदर लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है नौकरी में, उनकी जॉब की सेफ्टी, उनको समय पर सैलरी का मिलना, उनके वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए,
देयर शुड बी वेलफेयर फैसिलिटीज, उनको प्रॉपर हेल्थ हाउसिंग फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करे, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ऑफ एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, ये सब उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फिर आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सप्लायर, सप्लायर के क्या एक्सपेक्टेशन है। सप्लायर चाहता है कि जो भी उसने सामान सप्लाई किया उसको फेयर प्राइस मिले, उसके रेगुलर और टाइमली पेमेंट होती रहे सामान की, रेगुलर ऑर्डर्स उसको मिलते रहे। फिर उसके बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको कंपनी की मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देकर कहे कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, सप्लायर ने बेचारे ने सामान पहुंचा दिया और उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद जो इंटर बिजनेस रिलेशनशिप है, यानी एक सप्लायर का बिजनेस के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत कोऑपरेटिव होना जरूरी है। फिर आ जाते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर के एक्सपेक्टेशंस क्या है। क्रेडिटर कौन होता है पहले ये समझ लेते हैं। क्रेडिटर होता है जो आपकी कंपनी को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। तो क्रेडिटर चाहता है कि जो भी उसने पैसा दिया है वो समय पर उसको मिल जाए, सेफ्टी ऑफ लोन्स, पेमेंट इंटरेस्ट की टाइम टाइम पर होती रहे। फिर उसके बाद कि रिटर्न जो है लोन का जो वापस मिलना है उसको वो समय पर वापस मिल जाए पैसे। अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, यानी कंपनी काम कैसा कर रही है। एंड सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज ऑफ एसेट्स, जो भी उसने एसेट मतलब जो भी सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ मॉर्टगेज ऑफ एसेट्स, यानी जो भी कंपनी ने अपने एसेट्स गिरवी रखवाए उनकी ध्यान रखना भी एक क्रेडिटर की जिम्मेदारी होती है। फिर आ जाते हैं एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंपेटिटर, कंपेटिटर क्या चाहता है कि दूसरी कंपनी के साथ जो भी कंपीट कर रही है एक कंपनी, वो कंपेटिटर चाहता है कि हर तरीके से जो कंपटीशन है वो फेयर होना चाहिए। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस शुड बी देयर फॉर प्राइस, क्वालिटी एंड सर्विस। एटमॉस्फेयर हेल्दी होना चाहिए, एथिकली होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इमोरली आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो दूसरे बिजनेस को फ्लॉप करके। There should be cooperation among the competitors and intellectual property rights, यानी कि एक कंपनी की अगर किसी चीज पर उन्होंने बनाया है, वो उनका इनोवेशन है, वो उनकी चीज है, तो दूसरी कंपनी उसको उसको अपने नाम से ना बेचना शुरू कर दे, तो ये भी उनकी expectations होती है। फिर आता है expectations of government, government की expectations है कि जो भी उन्होंने rules regulations बनाए उसको कंपनी फॉलो करे, समय पर टैक्स पे करे। वो किसी भी कंट्री के जो सरकारी नौकर हैं, यानी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन लोगों को घूस यानी कि रिश्वत ना दें, यानी टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स। फिर उसके बाद कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है, स्कार्स रिसोर्स, बीट लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी चीजें, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें ना तो उनका वेस्टेज हो ना उनको एक्सप्लॉइट किया जाए। फिर उसके बाद कंट्री में एक कंपनी की कंट्रोल नहीं होना चाहिए, टू अवॉइड मोनोपोली एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। फिर आ जाता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक का मतलब हम जैसे लोग, हम क्या चाहते हैं, किसी भी तरीके का पोल्यूशन ना हो, प्रोडक्ट्स ऐसे बिके जो सोशली डिजायरेबल हो, यानी हर कोई एक्सेप्ट करे उन गुड्स को, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की कंपनी हेल्प करे, उसके बाद लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होना चाहिए, और इट शुड परस्यू सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज। ऐसा नहीं कि आप एडवर्टीजमेंट ऐसे दिखा रहे हो जिसमें बिल्कुल ही अपनी कंट्री की कल्चर की धज्जियां उड़ाती है। नो, कल्चर ऑफ अ कंट्री शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर शोइंग एनी एडवर्टीजमेंट और मेकिंग एनी प्रोडक्ट। अब आते हैं एक और जरूरी पार्ट पर, विच इज स्टेक होल्डर एनालिसिस। स्टेक होल्डर मतलब इंटरेस्ट होल्डर, एनालिसिस का मतलब उनकी एक्टिविटीज के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वेरियस स्टेक होल्डर ग्रुप हु हैव द इंटरेस्ट इन द डिसीजंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी एक्टिविटीज को लगातार जब आप एनालाइज करते हो, ठीक है, उन पे ध्यान रखते हो कि स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, उसको हम स्टेक होल्डर एनालिसिस बोलते हैं। तो स्टेक होल्डर एनालिसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं क्योंकि एक प्रोसेस है ये। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर, सबसे पहली चीज आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन है। तो कंपनी को पता होना चाहिए कि मेरा इंटरनल स्टेक होल्डर है एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, शेयर होल्डर, और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है कस्टमर, देन सप्लायर, एंड मे बी द लोकल बॉडीज ऑफ द कंट्री एंड गवर्नमेंट। फिर आता है मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप। सबसे पहले मैप क्या चीज है, मैप का मतलब है अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स के बारे में जानना, एक प्रिपेयर करना एक मैप कि भाई हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। उसके बाद इन स्टेक होल्डर्स के बीच की रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। अगर एक प्रॉपर मैप,
एक कंपनी बना लेती है तो कंपनी के लिए आसान हो जाता है जानना कि स्टेक होल्डर्स का कंपनी के साथ क्या रिलेशन है और वो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से, उनके इश्यूज क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है कि स्टेक होल्डर किस जगह पर आपसे ना खुश है, किस जगह पर आपसे वो चाहते हैं कि आप कुछ करो लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है कंपनी को सपोर्ट करते हैं लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर ग्रुप्स एक साथ मिलकर आपकी कंपनी की वर्किंग को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए समय रहते मैनेजर्स को समझ जाना चाहिए, उन्हें समझना जरूरी होगा कि किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी इश्यूज को सॉल्व किया जाए। वो किसके थ्रू होगा? स्टेक होल्डर एनालिसिस के थ्रू। फिर फोर्थ स्टेप होता है असेसिंग स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। एक स्टेक होल्डर नहीं है कंपनी का, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं और सारे स्टेक होल्डर्स की जो इंटरेस्ट है उसको जानना जरूरी है बिकॉज हर एक स्टेक होल्डर का जो इंटरेस्ट होगा वो अलग अलग होगा। और एक कंपनी के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल है अगर वो अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट नहीं जान पाते हैं तो। फिर आता है जजिंग द स्टेक होल्डर्स पार। हर एक स्टेक होल्डर की कंपनी में अलग अलग पावर होती है, जैसे शेयर होल्डर की वोटिंग पावर है, कस्टमर सप्लायर और डीलर जो है वो पैसों से मदद कर रहे हैं कंपनी की, उनकी इकोनॉमिक पावर, और गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पावर है, वो रूल्स रेगुलेशन से कंपनी को थामे हुए। लास्ट आता है डिसाइडिंग द प्रायोरिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स अभी मैंने कहा उनका इंटरेस्ट अलग है तो उनकी प्रायोरिटीज भी अलग होंगी, तो हर एक स्टेक होल्डर की अलग से प्रायोरिटी जानना बहुत जरूरी है, जो मैनेजर को पता लगानी पड़ेगी दैट व्हाट आर द प्रायोरिटीज ऑफ स्टेक होल्डर। तभी कंपनीज जो है उन कंपनीज का कुछ बेड़ा पार होगा, व्हेन ऑल द कंपनीज विल एबल टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटी कि हर एक ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स की क्या प्रायोरिटीज है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही कंपनी को फर्दर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो इसके साथ हमने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, ठीक है जी। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको मिलूंगी चैप्टर 2 ऑफ कमर्शियल स्टडीज ग्रेड 10। सो स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन और मेरा नाम है स्वाति शर्मा। सो फटाफट जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और साइड में वो जो बेल आइकन दिख रहा है ना फटाफट से उसको क्लिक कर दो सो दैट जितनी भी नोटिफिकेशन में वीडियोज बनाती रहूंगी सारी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहेंगी। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय।